मालपुरा उपखंड के डिग्गी थाना पुलिस ने एमिनेंट कॉलेज के पास स्थित बागड़िया ढाणी से दो पिकअप गाड़ियों को पकड़ा, जिनमें ऊपर की ओर तरबूज भरे हुए थे। साथ ही एक पिकअप गाड़ी में छह व दूसरी पिकअप में छह गोवंश को ठूस ठूस कर भरा हुआ था। थाना प्रभारी हीरालाल ने बताया कि गोवंश को कुरथल रोड स्थित गौशाला में छोड़ा गया, साथ ही पिकअप गाड़ियों को जब्त करने की कार्यवाही की गई। साथ ही एक तरबूज भरी हुई गाड़ी में गोवंश भरने की तैयारी की जा रही थी, जिसको भी जब्त करने की कार्रवाई की गई। वहीं पिकअप चालक व गोवंश तस्कर मौका पाकर भागने में सफल हुए। वहीं ग्रामीण मदन सिंह राजपूत ने बताया कि राजस्थान में अलवर के बागडिगी क्षेत्र के इस्लामपुरा, इस्लाम नगर, लक्ष्मीपुरा, बागरियों की डानी गोवंश तस्करी के मुख्य केंद्र बने हुए हैं। गोवंश तस्करी का कारोबार यहां पर चरम सीमा पर व्याप्त। जाप्ता के मौके पर पहुंचा तो मौके पर पहुंचने देखा तो दो पिकअप में बछड़े पाए गए, जिसमें एक पिकअप में तरबूज भरे हुए थे, ऊपर नीचे बछड़े थे, जिनको गिना गया तो प्रत्येक पिकअप में छह छह बछड़े पाए गए गोवंश के। कार्रवाई करते हुए मौके पर कार्रवाई की। यहाँ कई बार गोवंश का जो कारोबार होता है, और शायद राजस्थान में ऐसा लगता है कि अलवर के बाद में डिग्गी कस्बा का इस्लामपुरा वगैरह जो है, क्या ये सही बात है? ये सही बात है। ये क्षेत्र जो है गो तस्करी के लिए प्रमुख है। इसकी हमने पूर्व में भी शिकायतें चारों तरफ की थी और गाड़ियां भी पकड़ में आ रही है। हमारे नुकड़े SHO साहब ने सूचना मिलते ही तुरंत वहाँ जाके दबिश दी। वहाँ तीन गाड़ी थी, दो लोडेड थी, एक खाली गाड़ी थी। इनको पकड़ा गया है और पकड़ के कार्रवाई करते हुए डिग्गी गौशाला में लेके आए हैं। मौके की कार्रवाई की गई, मौके पे इनको जब्ती कार्रवाई की। मौके से फिर लाके कुरथल जो रोड पे गौशाला है वहाँ पे एक बछड़ों का दाखिला कराया गया। दाखिला कराने मुकदमा दर्ज कानून कार्रवाई की जा रही है। पुलिस मौके से फरार है, जिनकी तलाश जारी है। इनके ड्राइवर या कोई इनके जो इनका जो कारोबार करता है कोई गिरफ्तार किया गया? मौके से भग गए थे, पुलिस की दूरी का जो फायदा उठा के मौके से भग गए थे। सर, ये जो दो गाड़ियां बछड़ों की आपने बरामद की है भरी हुई, ये कौन सी जगह से बरामद की गई और कितने टोटल कितने बछड़े हैं ये? ये मुखबिरी की इतला मिली कि बागरे की ढाणी में पिकअप है दो, उसमें जानवर भरे हुए हैं बछड़े गोवंश। इतला पर मन ऐसे समय जाता कि मौके पर पहुँचा तो वहाँ पर दो पिकअप बछड़ों की भरी हुई मिली, जिसमें काउंट किए तो एक एक पिकअप में छः छः बछड़े पाए गए।